पैरासीटामोल समेत 50 से भी ज्यादा दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। बता दें कि हर महीने होने वाले रैंडम सैंपलिंग में ये दवाएं खराब पाई गई हैं। CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पैरासीटामोल, पेन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हुई हैं। उसके बाद इन दवाओं के उपयोग को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि अगस्त में CDSCO ने भारतीय बाजार में 156 से अधिक फिक्स्ड डोज दवा कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें कहा गया था कि ये लोगों के लिए जोखिम भरे हैं। इन दवाओं में बुखार, दर्द निवारक और एलर्जी की गोलियां शामिल थी। कौन सी दवाइयां हुई है टेस्ट में फेल? क्वालिटी चेक में फेल होने वाली दवाओं में विटामिन सी और D3 टैबलेट, शेलकल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पेंडी, पैरासीटामोल टैबलेट, IP500 मिलीग्राम, एंटी डायबिटीज दवा ग्लीमेपराइड और हाई बीपी की दवा टेलमिस्टर्न शामिल है। बता दें कि इन दवाइयों में बच्चों को दी जाने वाली भी कुछ दवाइयां शामिल है। सेपोडेम XP50 ड्राई संस्पेशन भी टेस्ट में फेल पाई गई है, जो बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। पेंडी कैप्सूल 15 के साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द, सर दर्द, दस्त, मतली, उल्टी, पेट फूलना, चक्कर आना और जोड़ों में दर्द जैसे संबंधित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और बाकी दवाइयों के भी मिलते जुलते साइड इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं, जैसे कि बुखार, ठंड लगना, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द और सूजन, अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण। वहीं पैरासीटामोल जैसी दवा का अधिक मात्रा में सेवन करना लीवर या किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में दवाई लेने से ये शरीर के कार्य को असक्षम करता है और एलर्जी प्रतिक्रियाएं, पित्ती, गले में सूजन, गंभीर त्वचा रोग और बहुत कुछ पैदा कर सकता है। CDSCO का क्या काम है? CDSCO का पूरा नाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंडर है। इसका काम नई दवाओं को मंजूरी देना, क्लिनिकल जांच को आयोजित करना और दवाओं के लिए मानक तय करना शामिल है। राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के कामों को मंजूरी करता है। CDSCO नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ काम करता है। तो ये थी फेल हुई दवाइयों से जुड़ी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमारी खबर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।